राम राम जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊँ सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर सांझ के छिड़े पर फिर तो स्वागत करूँ। तो भाई एसएससी फेज 12 सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 इस भर्ती का नाम है। इस नाम तक आप लोगों की एक नई भर्ती आ गई है, ठीक है। 10वीं पास है, टोटल 6000 पदों के ऊपर आपकी भर्ती आई। 10वीं पास जो भी नर हो मादा हो, ठीक है, उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर लेवल की पोस्ट है भाई, खास बात यह है मैक्सिमम लोगों के डाउट होगा 10वीं पास है तो भाई एमटीएस चपड़ासी चुपड़ूसी पाओगी, लेकिन ऑफिसर लेवल की वैकेंसियां हैं, खास बात यही है इसकी। सिलेबस क्या रहेगा इसका, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, 5 बेस्ट आपको स्टडी टिप्स भी दी जाएंगे, किस हिसाब से आप लोग तैयारी करके आप लोग अपना सिलेक्शन ले सकते हो, और एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ है। सारा 2-3 महीने है खेला, सारा का सारा सिस्टम बताऊंगा क्या कुछ है। देखो भाई डिटेल्ड, आज ही नोटिफिकेशन आया, आज से इसके फॉर्म भरने आपके शुरू हैं। देखिए भाई क्या कुछ मामला, क्या कुछ मैटर है, पूरा एंड तक देखना। एक एक पोस्ट के बारे में बताऊंगा किस टाइप की पोस्ट है, आधे दिन में बीच में छोड़िए बैठ जाए, ठीक है। देखो अप्लाई आपके कब से, आपके भाई 1 फरवरी 2024 यानी कि आज से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट क्या आपकी, 28 फरवरी 2024 आपकी लास्ट डेट है भाई। फरवरी जो आपका चुंबन दिवस का महीना है, चुंबना मना बीजी रही हो, फार्म भर लियो फिर हंड हो गए घूम दे। एज कितनी, पोस्ट वाइज अलग अलग वैकेंसी, क्योंकि इसके अंदर आपकी पोस्ट है ना वो अलग अलग टाइप की है। इसके अंदर आपकी 10वीं लेवल की पोस्ट भी है, 12वीं लेवल की पोस्ट भी है, और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट भी है, और पोस्ट वाइज एज भी अलग अलग है। मिनिमम कम से कम आपकी 18 से 25 साल है, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 30 साल भी जाती है, 35 भी जाती है, वो अलग अलग, किसी पोस्ट में 27 साल भी, वो पोस्ट वाइज अलग अलग, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, अलग अलग है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम आपकी 25 साल तो आपकी है ही है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की, 10वीं पास भी है इसके अंदर, 12वीं पास भी है, ग्रेजुएशन भी, सारा का सारा सिस्टम बताऊंगा किस टाइप की वैकेंसी क्या कुछ मैटर सारा क्लियर होगा, ठीक है। पेपर आपका 5-6-7 यानी 6-7-8 इसको कटो, 6-7 और 8 मई 2024 को आपका एग्जाम होना है भाई, ठीक है। कब का आपका, 6-7 और 8 मई, एग्जाम डेट भी आ चुकी है, एसएससी का यही फायदा है, ठीक है। 6-7 और 8 मई को आपका एग्जाम होगा भाई, ठीक है, ये आपकी एग्जाम डेट है। अब देखो आगे क्या कुछ मैटर, क्या कुछ मामला है। उसके बाद बात हम लोग करते हैं इसकी फीस कितनी होगी। फीस आपकी मात्र 100 रुपए फीस है, फॉर्म भरने की फीस आपकी 100 रुपए, ज्यादा लंबा थोड़ा प्रोसीजर नहीं है। अब आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है इसका। मैथ के अंदर आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, टोटल आपका 50 नंबर का मैथ आएगा, ठीक है। रीजनिंग के अंदर भी 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, और यह भी आपका कितने का, टोटल 50 नंबर की रीजनिंग आएगी। इंग्लिश के अंदर भी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यह भी आपके 50 नंबर की आएगी, ठीक है। जीके के अंदर भी 25 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ये भी आपके 50 नंबर की आएगी, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा, सीजीएल की तरह ही है आपका एक तरीके से, ठीक है। टोटल टाइम आपको 1 घंटे का टोटल टाइम मिलेगा, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, आधे नंबर की, इस चीज को ध्यान में रखना। क्यों है 0.5 की आपकी, क्योंकि 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, क्योंकि 1% आपका 2 नंबर का, तो 2 का अगर 1/4 करोगे तो 0.5 हो जाएगी, ठीक है। 0.25 कब होती है, जब आपका प्रश्न 1 नंबर का, प्रश्न इसके अंदर क्या है 2 नंबर का, एक क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इसके अंदर वैकेंसियां कौन कौन सी है, किस किस टाइप की, वो देखो ये आपकी वैकेंसियां, ये है भाई आपकी सारी सारी वैकेंसी। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की कौन कौन सी वैकेंसी है, रिसर्च असिस्टेंट, इसके अंदर नॉर्मल आपकी ग्रेजुएशन मांग रखी है, ठीक है। ग्रेजुएट कोई भी नर हो मादा हो, इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सका है। केमिकल असिस्टेंट, ठीक है, इसके अंदर भी सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रखी है, ग्रेजुएट कोई भी नर मादा हो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उम्र आपकी पोस्ट वाइज अलग अलग है, आपकी रीजन वाइज आती है आपकी, जैसे मान लो आपको नॉर्थ रीजन के अंदर की वैकेंसियां देखने, तो नॉर्थ रीजन देखो भाई आपका नॉर्थ रीजन के अंदर आपकी इसके अंदर उम्र कितनी मांग रखी है, वो आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। आपको जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लो @JCapitalT छोटे अक्षर में ARGT, वहां पर मैं आपको अलग अलग डाल दूं, जे टारगेट नाम से टेलीग्राम चैनल, 1,25,000 वो पाओगे फॉलोअर, 1,26,000, ठीक है, मेरी फोटो लगी पाओगे, उसमें ज्वाइन कर लो। उधर मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई कौन सी पोस्ट आपके लिए बढ़िया, आप किसके लिए अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। इसकी हर एक केंद्र एज अलग है, जैसे इसकी एज मान लो 18 से 25 साल है, ठीक है, तो इसकी एज मान लो 18 से 27 भी हो सकती है, ठीक है, वो आपको देखनी पड़ेगी, डिटेल डिटेल है हर एक पोस्ट की। जैसे गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, ठीक है, इसकी आपकी डाटा प्रोसेसिंग, जूनियर ज्योग्राफिकल असिस्टेंट, ठीक है, इस टाइप की है, मतलब कि अलग अलग है, और भी ज्यादा है, तो मैं सिर्फ जो जौन सी अच्छी अच्छी लेवल की पोस्ट है वो लिख के लिया, और भी ज्यादा है आपकी। 12th पास की आपकी स्टोर कीपर की है, ASI की है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है, कॉन्स्टेबल की भी है, हेड कॉन्स्टेबल की भी है, और फार्मासिस्ट की है, ये वैकेंसियां भी है। आप देखो CPO के थ्रू सब इंस्पेक्टर की भरी जाती है, ठीक है, सीधा डायरेक्ट कॉन्स्टेबल दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की भरी जाती है, लेकिन ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसके थ्रू भरा जाता है, हेड कॉन्स्टेबल भी इसके अंदर आपकी आती है।
है। टेंथ पास क्या है, टेंथ पास के लिए MTS की है, ठीक है, लश्कर वन की है, आपका MT हेल्पर की है, मेडिकल अटेंडेंट की, तो ये अलग अलग टाइप की वैकेंसियां हैं। ठीक है, ये वैकेंसियों की डिटेल्ड लिस्ट अपना जो टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लेना, उधर आपको इन वैकेंसियों की डिटेल्ड लिस्ट आपकी अलग अलग छांट छांट के डाल दूंगा। ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट की भाई ये इसकी क्वालिफिकेशन, ये इसके फायदे हैं, सारी की सारी चीज आपको उसके अंदर अलग से बता दी जाएगी, भाई आपके लिए इतनी बेनिफिशियल है, इतनी बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वैकेंसी, जो भी आप भाई इच्छा चाहो, आप ASI के लिए अप्लाई करना चाहते हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हो, हेड कॉन्स्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो आपकी चॉइस होगी आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, मतलब कि अच्छा मौका है, गजब का चांस है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रहेगी वो इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं भाई। अब बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करनी है। टाइम आपके पास मोटा मोटा ये समझो अभी 1 फरवरी से जो फॉर्म भरने शुरू हैं आपके, ठीक है, करीबन पूरा फरवरी पड़े आपके पास, ठीक है, पूरा आपके पास मार्च पड़ा है, पूरी आपके पास अप्रैल पड़ी है, मोटा मोटा आप ये समझो आपके पास 90 दिन का समय है, 90 दिन का, और 90 दिन के अंदर भी अगर आप तैयारी करके इसके अंदर सिलेक्शन नहीं ले सकते ना, तो आपका सिलेक्शन धरती पर कहीं पर भी नहीं हो सकता। ठीक है, 90 दिन का समय यार, 90 दिन में भी सिलेक्शन कौन हुआ, फिर तो छोड़ दो भाई पढ़ना, फिर कोई फायदा कौन पढ़ने का। ठीक है, 90 दिन बहुत हो भाई, 3 महीने डेली का, थोड़े थोड़े 50-30 वो कैब भी याद करो ना, तो 90 दिन में कितने हो गए, 3×9=20, 2700 वो कैब याद कर दो, 2500 थोड़ी कौन होती। अब देखो मैथ के अंदर क्या कुछ मैटर है, मैथ के 25 क्वेश्चन आने हैं और हर एक क्वेश्चन 50 नंबर का। अगर आपका बेसिक क्लियर है, मतलब कि अगर आपने बेसिक मैथ कर रखा है, आप SSC की पहले से तैयारी करती आने लग रहे हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ डेली प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आपको, ठीक है, और साथ में मारनी रिवीजन, सारे सिलेबस की रिवीजन मारो दड़ा, जितनी ज़्यादा बार मल्टीपल टाइम रिवीजन मारोगे उतना अच्छा होगा। जो पहली बार करने लग रहा है वो भाई आपका YouTube के ऊपर बहुत सारे चैनल हैं SSC के, कहीं पर किसी बैच बूच में माथा मारने की जरूरत को नहीं, ठीक है, SSC के बहुत ज़्यादा YouTube चैनल जहाँ से आप लोग मैथ को है अपना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मैथ के बारे में आप कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगी भाई, प्रॉफिट लॉस टॉपिक वाइज करना आपको, जैसे मान लो सबसे पहले आपने प्रॉफिट लॉस शुरू कर दिया, प्रॉफिट लॉस का जैसे एक सवाल करवाया सर ने, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, सवाल को नोट करो आप, फिर अगला इस टाइप से आपका मतलब मान लो 5-6 क्लासेस के अंदर मान लो आपका प्रॉफिट लॉस कंप्लीट होता है, तो उस प्रॉफिट लॉस के ऐसे नोट्स बना लो कंप्लीट, फिर उनके रिवीजन मारो, फिर उनकी प्रैक्टिस करके देखो, फिर अगला टॉपिक करो, इस टाइप से मैथ का सिलेबस पूरा करो। रीजनिंग के लिए कहीं माथा मारने जरूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस लगाओ, रीजनिंग के लिए ना किसी क्लास देने जरूरत, एक आधा टॉपिक नहीं आता, जैसे कैलेंडर वाले सवाल है, ठीक है, या फिर घड़ी वाले सवाल है, या फिर अपना ये जो एज वाइज ये के बोले अगर डेट वगैरह निकाला करूँ वाले सवाल हैं, तो उनके लिए आप वीडियो देख सकते हो किसी भी टीचर की। ठीक है, बाकी इसकी सिर्फ प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो, ये बोलते हैं सीरीज वाले पर्सन नहीं बनते भाई, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही रीजनिंग अच्छी होगी, रीजनिंग की और कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो 4-5 तरीके की ट्रिक होती है, वही दिमाग जितनी ज़्यादा घिसाओगे यार उतना ज़्यादा अपने आप चलेगा। इंग्लिश के लिए आपको मैं बता देता हूँ, ग्रामर के लिए आपको करनी है नीतू सिंह मैडम की बुक आती है KD कैंपस की Volume 1, ठीक है, Volume 1 आपकी बुक आती है, वहाँ से डेली अगर आप लोग आधा चैप्टर भी करोगे ना, तो भी 45-50 दिन के अंदर ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 45-50 भी ज्यादा ले ली, 45 दिन के अंदर आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। वो कैब के लिए आपको साथ के साथ वो कैब भी करनी पड़ेगी, ब्लैक बुक नाम की बुक आती है वो कैब की, ठीक है, इसके अंदर से डेली आपको जैसे 30 सिनोनिम कर लिए, सॉरी 30 सिनोनिम एंटोनिम है जो, ठीक है, 30 आपने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लिए और 30 आपने idiom फ्रेज कर लिए, डेली के करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा इस प्रोसेस में अगर अच्छे से याद करोगे तो, ठीक है, और डेली आपका 1 घंटा ग्रामर, 1-2 घंटा ग्रामर को भी देना पड़ेगा, तब जाके इसमें इंग्लिश पक्की हुई। कहने की बात है दिन में 8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, मैथ के ऊपर भी टाइम देना पड़ेगा, इंग्लिश के ऊपर भी देना पड़ेगा, रीजनिंग के ऊपर भी देना पड़ेगा, और जिक्के के लिए अपने चैनल के ऊपर है डेली रात को क्या है 8 बजे लाइव क्लास होती है जिक्के की। अभी फिलहाल SSC GD के लिए तैयारी करवाने लग रहा हूँ, आपको अगर देखना है डेमो एक तरीके से किस प्रकार की, क्योंकि अपना कोई बैच बूच वगैरह नहीं निकालते, अभी लाइव ही तैयारी करवाते हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हो। ठीक है, डेली क्लास लगती है रात को 8 बजे, आप लोग कल आ सकते हो, कल से लगेगी, ठीक है, या फिर आज भी आ सकते हो, लेकिन आज तो चलो 8 से ऊपर का टाइम हो गया। ठीक है, तो आप डेली यहाँ पर जिक्के की गारंटी मैं लेता हूँ, आपकी पूरी ट्रिक के साथ याद करवाई जाती, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है, और सारे प्रश्न याद करवाने की गारंटी मेरी। तो ये था आपका सारा का सारा, ये समझो मोटा मोटा आपका जो भी एग्जाम पैटर्न था, आपको मैंने सारी पोस्टों के बारे में बता दिया भाई, कौन कौन सी आपकी पोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट आपकी जो वैकेंसियाँ हैं भाई, आप किस प्रकार से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, और अच्छी पोस्ट है, ASI की छोटी नहीं होती भाई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक प्रमोशन के लिए सब इंस्पेक्टर बन जाओगे। ठीक है, और आपकी मतलब जो भी अच्छे लेवल की हैं, हेड कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल, सारी की सारी वैकेंसी बता दी हैं, तो इंटरेस्टेड साथी अप्लाई कर सकें। सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खेल लो, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना भाई।